चलो अब छोटा सा एक राजवंश है, भाटी राजवंश। भाटी राजवंश प्रारंभ में बताते पंजाब साइड में थे, इसके बाद में इधर वाली साइड में आ गए। और भाटी राजवंश का जो संस्थापक था वो भट्टी था, बताते हैं लगभग 285 ईस्वी के लमसम। और इनका जो प्रसिद्ध दुर्ग है वो है बटनेर दुर्ग। ये भूपत भाटी ने बनवाया था लगभग 288 ईस्वी। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है ये बटनेर दुर्ग, सबसे पुराना दुर्ग माना जाता है। विदेशी आक्रमणकारी इस साइड से आएगा तो सबसे पहले यही सीध में आएगा। ये मानते हैं कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला जो दुर्ग है वो भटनेर दुर्ग है। यहां पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, उसने अपनी पुस्तक तुजु के तैमूरी में लिखा है कि इतना मजबूत दुर्ग मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है भटनेर दुर्ग जिसमें हिंदू प्लस मुस्लिम महिलाओं ने साथ में जोहर किया था। और यहां शेर खां की कब्र भी है। यह भाटियों की प्रारंभिक राजधानी मानी जाती। इसके बाद में है आक्रमण हुआ था यहां और भाटी इस साइड में आ गए थे, कहां? तनोट में। और अपनी राजधानी, दूसरी राजधानी मंगलराव के समय भाटियों ने दूसरी राजधानी तनोट को बना लिया था। और तनोट किसके लिए प्रसिद्ध है? तनोट माता के लिए प्रसिद्ध है। ये कहानी सारे जानते हो, युद्ध के समय माता के यहां बम डाले गए, वो छुटे नहीं थे बम, इस हिसाब की कहानी है। तो बस इतना ध्यान रखना, तनोट माता एक तो सैनिकों की कुल देवी है और एक इसे रुमाल वाली देवी बोलते हैं। तनोट के बाद में भाटी आ गए थे लोदरवा, और भाटियों ने अपनी तीसरी राजधानी जो बनाई थी वो लोदरवा को बनाई थी। लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? लोदरवा की राजकुमारी थी मुम्मल, और जिसका प्रेम संबंध बताया जाता है अमरकोट के महेंद्र के साथ। अमरकोट में बाबूजी का ससुराल था, वहां सोडा राजपूत थे, आज भी वहां सोडा राजपूतों का राज चलता है, तो अपने पाकिस्तान में चला गया वर्तमान में वो स्थान। तो महेंद्र के साथ प्रेम संबंध की वो लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन उससे प्रश्न पुटअप नहीं होते, वो कहानी है जो बताने के लिए बस क्लास में। लोदरवा के बाद में भाटियों ने चौथी राजधानी और अंतिम राजधानी बनाई जैसलमेर। और जैसलमेर में सबसे कब बसा? 1155। दो चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना, एक तो है त्रिकुट पहाड़ी और एक है त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर तो जैसलमेर दुर्ग है और त्रिकुट पर्वत के ऊपर केला माता का मंदिर है करौली में। कैसे केला, कैसे करौली, कैसे कालीसील? केला माता का मंदिर करौली में है और करौली, ये कालीसील, काली सिंध नहीं है, कालीसील है, कालीसील जहां पे लंगूरिया गीत गाया जाता है मीणा जाति द्वारा, लंगूरिया नृत्य गीत एक ही बात है। जैसलमेर दुर्ग की जो बातें हैं वो अधूरी सी है, जैसे यहाँ 99 बुर्जे 100 पूरे नहीं हुए, यहाँ 250 साके है, एक साका अधूरा रह गया था। जैसलमेर दुर्ग के 250 साके है, 250 साके यानी अधूरा रह गया था साका। साका जोहर वगैरह क्या है ये तो लंबी चौड़ी कहानियां हैं, कभी फिर करेंगे। थोड़ा सा 250 साका ध्यान रखना, 250 साका कहाँ का प्रसिद्ध है जैसलमेर। पहला साका बताते हैं मूलराज के समय हुआ था, अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था, दो डेटे आती है 1292 और 98, लेकिन राजस्थान का पहला साका 1301 में हुआ था, इसलिए ये प्रमाणित नहीं माना जाता। दूसरा जो साका हुआ था वो दुद्दा के समय हुआ था, बताते हैं फिरोज शाह का आक्रमण हुआ था। और तीसरा हुआ था 1550 में लूणकर्ण, लूणकर्ण रूठी रानी उमादे का पिता, लूणकर्ण के समय हुआ था, गंधार की अमरेली का आक्रमण हुआ, पुरुष तो मारे गए थे लेकिन महिलाएं जोहर नहीं कर पाई थी, जो अधूरा रह गया था। ये अधूरा साका है 250 साका, बाकी सर्वाधिक साके है जैसलमेर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं 3। ये थोड़ी सी बातें थी नॉर्मल सी भाटी राजवंश की। चार पांच शासक है जाट शासक, उनका भी देख लेते हैं, फास्टली रीडिंग मार रहे हैं ये। जाट राजवंश, जाट राजवंश का उदय औरंगजेब के समय हुआ था। राजवंश का, राजवंश की जिक्र कर रहे हैं, औरंगजेब के समय, औरंगजेब के विरुद्ध गोकुला मथुरा का एक जाट था गोकुला, गोकुला ने अपने कुछ व्यक्तियों को लेकर औरंगजेब के विरुद्ध खड़ा किया था। तो गोकुला जाटों का प्रारंभिक नेता है,
ये जाट राजवंश का संस्थापक नहीं, ये जाटों का एक तरीके का नेता है। इसने अब्दुल नमी की हत्या कर दी थी जो हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था, और औरंगजेब ने गोकुला को मरवा दिया। इसके बाद में नेतृत्वकर्ता बन गया राजा राम, जाटों का दूसरा नेता है राजा राम। राजा राम के बारे में आता है कि राजा राम ने अकबर की कब्र को लूटा था। इसके बाद में जाट साम्राज्य जो माना जाता है वो माना जाता है चूड़ामन से। जाट साम्राज्य का संस्थापक चूड़ामन है, जबकि जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? बदन सिंह। बदन सिंह को स्वाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी थी और डींग की जागीर दी थी। डींग के जल महल बदन सिंह ने बनवाए थे, जो प्रसिद्ध जल महल है डींग के जल महल। डींग वैसे जल महल जयपुर के अंदर ही है, लेकिन जो प्रसिद्ध जल महल है वो यहीं की है। ब्रजराज की उपाधि और जाट साम्राज्य का जाटों का प्रारंभिक नेता गोकुला, फिर राजा राम, जबकि जाट साम्राज्य का संस्थापक चूड़ामन है और जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बदन सिंह को माना है। इसके बाद में जाटों का शक्तिशाली जो शासक है सूरजमल को माना जाता है, और सूरजमल जी ने ही एक दुर्ग बनाया था जिसका नाम है लोहागढ़। कद बनाया गुरु जी 1733। ये मजबूत दुर्ग माना जाता है, अजय दुर्ग माना जाता है कि इसे आज तक कोई नहीं जीत पाया। लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग में दो चीजें, एक तो जवार बुर्ज है और एक फतेह बुर्ज है। जवार बुर्ज दिल्ली विजय के उपलक्ष में, किसने दिल्ली विजय की बाद में करेंगे, और एक फतेह बुर्ज है ये अंग्रेजों की विजय के उपलक्ष में है। इसके बाद में सूरजमल जी का पुत्र था जवाहर सिंह। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए दिल्ली गए थे और वहां से दो चीजें उठा के लाए, एक तो अष्ट धातु का दरवाजा। ऐसा उल्लेख आता है कि अष्ट धातु का दरवाजा चित्तौड़ दुर्ग में था जिसे अलाउद्दीन ले गया था, और यह अष्ट धातु मतलब आठ धातुएं, सोना चांदी पीतल वगैरह, वो होती अष्ट धातु। तो नहीं याद रहे को अष्ट धातु उठाने के लिए जोर चाहिए, जोर जवाहर सिंह में था, यानी अष्ट धातु का दरवाजा कौन उखाड़ के लाए थे? जवाहर सिंह। ये यहां से एक काले संगमरमर के पत्थर का बेड लाए थे जो वर्तमान में डींग के जल महलों के अंदर रखा हुआ है। इसके बाद में शासक है रणजीत सिंह। इनके समय भरतपुर दुर्ग के अंदर मल्हार राव होलकर ने शरण ली, मराठा मल्हार राव होलकर, कब? 1803। और अंग्रेज लेक था जिसने गोलीबारी की बम बरसाई लेकिन दुर्ग को जीत नहीं पाए। उसके बाद में इसका नाम हो गया था लोहागढ़, यानी अंग्रेजों को मात देने वाले राजस्थान के एक ही व्यक्ति है रणजीत सिंह। तो ये थोड़ी सी बातें नॉर्मल थी। गोकुला नाम याद रखना है, राजा राम है, उसके बाद में चूड़ामन है, जाट साम्राज्य, फिर बदन सिंह वास्तविक संस्थापक है, फिर सूरजमल जी जिन्होंने लोहागढ़ दुर्ग बनवाया था, इसमें दो तीन चीजें हैं। इसके बाद जवाहर सिंह जी जो अष्ट धातु दरवाजा, और रणजीत सिंह जी ने अंग्रेजों को मात दी थी। क्या हो रुक तो आगे बना रहे हो? लास्ट बचे हैं चौहान तो डाले हुए हैं, गुहिल और सिसोदिया। लंबी चौड़ी कहानियां हैं, इनको कंप्लीट करना थोड़े से देख लेते हैं, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा वरना तो वीडियो। गुहिल राजवंश का संस्थापक गुहिलादित्य था। गुहिलादित्य शिलादित्य का पुत्र था, 567-66 में याद रह जाएगा गुहिल का, गुहिलादित्य। जबकि नाम याद करना है बप्पा रावल। गुहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल था जिसने हारित ऋषि की सेवा की थी। लंबी चौड़ी कहानियां हैं, बप्पा रावल वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा माना जाता है पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर भी इन्हीं के नाम के ऊपर है। ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए, एकलिंग जी मंदिर बनवाया था। एकलिंग जी मेवाड़ के वास्तविक राजा माने जाते हैं, बाकी इनके नौकर माने जाते हैं कि भी हमारे वास्तविक राजा एकलिंग जी, हम तो इनके नौकर हैं, हम तो इनके राणा हैं। तो मेवाड़ के वास्तविक राजा एकलिंग जी है। जयपुर के वास्तविक राजा गोविंद देव जी, भगवान श्री कृष्ण को जयपुर वाले मानते हैं, और मेवाड़ वालों के वास्तविक राजा एकलिंग जी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी नागदा को बनाई। राजधानियां बहुत चेंज होगी मेवाड़ में, देखो आगे बप्पा रावल
इसके बाद में शासक आएगा अलट, अलट के बाद में शासक आएगा जेत्र सिंह, इसके बाद में राजधानी चेंज करने वाला आएगा रतन सिंह। बप्पा राव ने नागदा को बनाया, अलट ने आहड़ को बनाया, जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को बनाया और इसके समय भी चित्तौड़ है, तो ऐसे याद करने में कोई समस्या, बाद में और राजधानियां चेंज होगी। इसके बाद में राजधानी आएगी, फिर चित्तौड़ के बाद में आएगी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद फिर चित्तौड़ जाएगी, फिर उदयपुर आएगी, फिर गोगुंदा आएगी। कुंभलगढ़ कुंभा के समय, चलो देखो, अलहट आहड़ ए और आ, इस हिसाब से याद रख लेना कि अलहट ने आहड़ को राजधानी बनाया था। यह पहला आदमी था जिसने हूण राजकुमारी से विवाह किया था, यह राजपूतों का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह है। जेत्र सिंह, ये देखो दो ऊपर मात्रा है, यहां चित्तौड़ के ऊपर भी दो ऊपर मात्रा है, यानी जेत्र सिंह ने राजधानी किसको बनाई, चित्तौड़ को। कुंभलगढ़ राजधानी बनाई थी कुंभा ने, चित्तौड़ फिर दोबारा महाराणा संग्राम सिंह के समय राजधानी वापस फिर चित्तौड़ हो गई थी। उदयपुर राजधानी उदय सिंह के समय थी, इसके बाद में गोगुंदा राजधानी हो गई थी प्रताप के समय, महाराणा प्रताप के समय कई राजधानियां हुई, गोगुंदा हुई थी, कुंभलगढ़ हुई थी, चावंड भी हुई थी, अंतिम राजधानी उनकी चावंड थी, तो प्रताप के समय तो कई राजधानियां चेंज हुई है। रतन गोहिल का गोहिलादित्य, वास्तविक बप्पा रावल, अलट ने आड़ को राजधानी बनाया, जेत्र सिंह इल्तुतमिश के साथ बुताला का युद्ध, चित्तौड़ को राजधानी। रतन सिंह के बारे में सारे जानते हो, पद्मनी वाली कहानी है वो रतन सिंह के समय चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था। चित्तौड़ में तीन शाखे में थे, पहला दूसरा और तीसरा, पहला हुआ है 1303 में, दोनों शाखे 1500 में हुए, कंटिन्यू हुए, एक विक्रमादित्य के समय एक दोनों भाइयों के समय, तीन के बाद में चार पांच छ सात और आठ, यानी पहला 1303 में, दूसरा 1534-35 में, तीसरा 1567-68 में। पहला के समय शासक रतन सिंह था, आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का हुआ, दूसरे के समय शासक विक्रमादित्य था, अलाउद्दीन गुजरात के, आक्रमण गुजरात के बहादुर शाह का हुआ था, तीसरे के समय शासक उदय सिंह था और आक्रमण अकबर का हुआ था। तीन ही में गुहिल राजवंश का अंतिम शासक था रतन सिंह, इसके बाद में आ जाती है राणा शाखा, राणा शाखाओं के शासक है हमीर, हमीर का बेटा खेता, खेता का पुत्र लाखा, लाखा का पुत्र मोकल, मोकल का पुत्र कुंभा, कुंभा का पुत्र था रायमल, रायमल का पुत्र संग्राम सिंह, संग्राम सिंह के बाद में शासक बना है संग्राम सिंह का पुत्र विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बाद में बना है उदय सिंह, उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह, इसके बाद में करण सिंह, इसके बाद में जगत सिंह, इसके बाद में राज सिंह। इतनों की जरूरत तो नहीं है याद करने, कंटिन्यू भी कोई जरूरी नहीं है याद करने की। देखो प्रसिद्ध जो है ना, जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के दादाजी का नाम हो गया संग्राम सिंह, ये दोनों भाई है, दोनों पुत्री है संग्राम सिंह के, संग्राम सिंह के दादाजी हो गए कुंभा, कुंभा के दादाजी हो गए लाखा और लाखा के दादाजी हो गए राणा हमीर। मैन यही है, बीच में तो ज्यादा डिटेल नहीं है इनका, मैन यही है शासक ही है इनकी, मैन मैन चीजें अगर इनकी देखें फास्टली रिपीट मारे, क्योंकि मेवाड़ के इतिहास में 15 घंटे लगते हैं, नॉर्मल ऐसी मैन मैन चीजें इनकी देखते हैं, फिर भी अगर आप शॉर्ट में याद करो तो संग्राम सिंह, और अब दो ही दिन बचे हैं तो दो ही शासक याद कर लो, लगभग प्रश्न इसी में से आता है, या तो संग्राम सिंह में से आएगा या महाराणा प्रताप का, तो निश्चित ही मान लो एग्जाम के लिए। राणा हमीर, ये कौन सा वंश शुरू हो गया, सिसोदिया, राणा हमीर सिसोदिया राजवंश का संस्थापक है, इसके सिर्फ उपनाम उपनाम है, मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन, प्रबल हिंदू राजा, मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है अमीर को, मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को भी बोलते हैं, पीछे राजस्थान पुलिस में आया था। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट परिस्थितियों में शेर के समान, यानी ये आदमी विकट परिस्थिति में भी शेर के समान रहा था। विषम घाटी पंचानन,
कहां कहा गया, ये कुंभा ने कहा था, कुंभा ने लिखी है, टिक्का लिखी है, जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया, सॉरी विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ में, जबकि कुंभा ने कहा है वीर राजा, कुंभा ने अमीर को वीर राजा कहा है, विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ में, और प्रबल हिंदू राजा कहा है टोड ने। खेता की कोई बात नहीं है, आगे लाखा है, लाखा की, लाखा का पूरा नाम है लक्ष सिंह, मेवाड़ में शॉर्ट में नाम लिया जाता है, जैसे कुंभकर्ण नाम है, संग्राम सिंह को सांगा बोलते हैं, प्रताप सिंह को प्रताप बोलते हैं, वैसे ही लक्ष सिंह है, लक्ष सिंह का मतलब लक्की सिंह, सारे किस्मत वाले जो बातें हैं वो सारी लाखा के समय हुई थी, जैसे जावर में चांदी की खान किस्मत की बात है, पिछोला झील बनवा गया कोई ऑटोमेटिक अपने आप ही, लाखा जी का पैसा ही नहीं लगा, एक बंजारा बनवा गया, किस्मत वाली बात है। फिर इनका विवाह हुआ था हंसाबाई से, राव चूड़ा की पुत्री थी हंसाबाई, ये भी किस्मत वाली बात है, क्योंकि विवाह होना किसके साथ साथ था, कुंवर चूड़ा के साथ। बाद में इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली और ये मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाए थे। इसके बाद में मोकल की बातें नहीं है, मोकल की हत्या कर दी थी चाचा और मेरा ने। फिर कुंभा की बहुत सारी बातें हैं, कुंभा का भी एग्जाम में, लगभग एग्जाम में प्रश्न आएगा और आपके भी आता है, कुंभा, संग्राम सिंह और प्रताप सिंह। कुंभा के उपनाम बहुत है, कुंभा की जोधा के साथ एक संधि हुई थी आंवला बावला 1453। कुंभा के समय गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह, और मालवा का था महमूद खिलजी प्रथम। कुंभा के उपनाम बहुत है, अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, हाल गुरु हिंदू सुल्तान, हाल गुरु दान गुरु, चाप गुरु छाप गुरु राज गुरु, ये उपनाम है। अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, हिंदू सुल्तान, हाल गुरु दान गुरु, चाप गुरु छाप गुरु, तो ऐसे भी प्रश्न आ गया, निम्न में से कुंभा की उपाधि नहीं है, तो नहीं है ऑप्शन, जब भी आएगा ध्यान रखना वो किसी प्रसिद्ध अन्य राजा का ही है, क्योंकि कुंभे की 200-250 उपाधियां हैं। बाकी ऐसे भी पूछ लिया, तात्कालिक मुस्लिम शासकों द्वारा कुंभा को दी गई उपाधि, इन तीनों को वैसे भी याद रखना पड़ेगा। देखो इधर मुस्लिम नाम आ रहा है, इधर हिंदू नाम आ रहा है, यानी मुस्लिम शासकों ने हिंदू सुल्तान कहा कि हिंदुओं में ये एक ही है। रासो बोलते हैं साहित्य को, कुंभा साहित्यकारों का आश्रय दाता था, इसलिए राणो रासो। अभिनव भट्टाचार्य यानी कुंभा संगीत का ज्ञाता था, कौन सा संगीत का, वीणा बजाता था कुंभा, बताते कुंभा स्वयं वीणा वादक था। इसके बाद में कुंभा का इनके साथ भी युद्ध हुए थे, कुंभा का महमूद खिलजी के साथ युद्ध हुआ था, सारंगपुर युद्ध या मालवा युद्ध 1437। इस ये युद्ध महत्वपूर्ण, युद्ध की विजय के उपलक्ष में जो चीज बनवाई थी वो महत्वपूर्ण है, वो है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ 9 मंजिली, 1, 2, 3, 4, 5, 9 तो मंजिली है, 120 से 122 फीट ऊंची है, लगभग 157 इसके अंदर लगभग सीढ़ियां है। विजय स्तंभ में लगभग 90 लाख खर्चा आया था 9वीं मंजिल पर और 3री मंजिल पर, 9 बार 9 ही 9 आंकड़े आते हैं इसमें ज्यादा। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर बताते हैं 9 बार अल्लाह लिखा है अरबी भाषा के अंदर, इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, और इसकी 9वीं मंजिल एक चीज और है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, इसके नजदीक एक चीज और है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ, ये 7 मंजिली है, ये 9 मंजिली है, ये 75 फुट है, ये 120 फुट है, ये कुंभा ने नहीं बनवाई थी, ये कुंभा ने बनवाई थी, ये बनवाई थी जैन व्यापारी जीजा। इसका प्रश्न ये ज्यादा है, कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है, ये देखो एक है, एक का सा लग रहा है, एक नंबर जैन तीर्थंकर को समर्पित है, एक नंबर कौन है, आदिनाथ या ऋषभदेव। कीर्ति स्तंभ अलग है और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कुंभा की कीर्ति का बखान करती है, इसका मतलब विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर है, इसे जैन कीर्ति स्तंभ कह सकते हो। ये विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है, तीनों चीजों में कंफ्यूज मत होना। इसके बाद में कुंभा ने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए हैं,
शॉर्ट में देख लेते हैं। राजस्थान में स्थापत्य का स्वर्णकाल कुंभा के समय माना जाता है। कुंभा ने मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग बनाए, मारवाड़ में सर्वाधिक मालदेव ने बनवाए थे। वीर विनोद के लेखक श्यामलदास ने कहा है कि मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्ग अकेले कुंभा ने बनवाए हैं, जबकि ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जा चुका है, लेकिन आपको सिर्फ 5 ही नाम याद रखने हैं। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बहुत पिछली बार राजस्थान पुलिस में आया था इसका प्रश्न, कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराट और बोमट, बस ये 5 ही दुर्ग याद करने। एक और करो तो कर लेना छठा मचान। सीधा सा है, कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराट, बोमट, कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराट, बोमट, कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराट, बोमट, इनमें से ये दोनों सिरोही में है। बसंतगढ़ को कई बार बसंती भी लिख देते हैं। बैराट बोमट पड़ता है बाड़मेर में, बैराट पड़ता है भीलवाड़ा में, मचान पड़ता है सिरोही में और कुंभलगढ़ हो गया रासम। ये एक ही दुर्ग है जिसका डिटेल है, बाकी का कोई डिटेल नहीं है, नाम और जिला। थोड़ी सी बात देख लेते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता बस यही है, चित्तौड़ दुर्ग अगर आपको दिखाया हुआ मिलेगा तो विजय स्तंभ मिलेगी, अगर कुंभलगढ़ दिखाया मिलेगा तो ये 36 किलोमीटर लंबी दीवार मिलेगी जिसे भारत की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत ऊंचाई पर है ये दुर्ग। इस दुर्ग के अंदर एक महल है कटारगढ़। यहां कुंभक ने राजधानी ये बना ली थी, यहां से कुंभा पूरे मेवाड़ को देखता था, इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। कटारगढ़ के सबसे ऊपर महल है बादल महल, जिसे बादल भी टच करते हैं। इसी बादल महल में 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया वार रविवार महाराणा प्रताप जयवंताबाई के गर्भ से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये प्रश्न पीछे राजस्थान पुलिस में आया था, महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था, इसमें कटारगढ़ बादल महल ऑप्शन नहीं थे, सीधा सीधा ऑप्शन था कुंभलगढ़, यानी महाराणा प्रताप का बचपन किस दुर्ग में गुजरा था, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। ये कुंभलगढ़ दुर्ग इतिहास में आज तक कभी नहीं जीता गया, इसे सिर्फ एक बार जीता गया था, ये 1578 में शाहबाज के समय। शाहबाज ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया था, पीछे फैसलेट में आया था ये प्रश्न, एक बार जीता था। ये मेवाड़ वालों के जब भी कोई संकट आता था वो यहां जाते थे, इसे मेवाड़ महाराणाओं की संकटकालीन सनस्थली, मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन सनस्थली बोलते शिवाना दुर्ग। शिवाना दुर्ग को भी शाहबाज खान ने जीता था चंद्रसेन के समय, और इस दुर्ग को भी शाहबाज खान ने जीता है 1578 के अंदर। इसी दुर्ग के अंदर थोड़ा सा इधर एक कुंड है, मामादेव कुंड। यहां कुंभा पूजा कर रहा था, कुंभा के अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था, जिसमें बैकी बैकी बातें करना होता है, आदमी भूल जाता है क्या, वो उन्माद रोग होता है। और यहां कुंभा के पुत्र उदा आया और कुंभा की हत्या कर दी। उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। राजपूत सरदारों ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसने जघन्य काम किया, पिता की हत्या की, इसे निकाल दिया और कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल को बना दिया था राणा। अब कुंभा के एक दो मंदिर भी है, श्रृंगार चौरी, मीरा मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर और कुशाल माता मंदिर। श्रृंगार चौरी, कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, जिसे वागीश्वरी बोलते हैं, ये भी विद्वान विदुषी महिला थी। श्रृंगार चौरी इन्हीं के विवाह की चौरी है चित्तौड़गढ़। कुंभा के लगभग चीजें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही हैं। मीरा मंदिर ये भी चित्तौड़ में है, इसमें कंफ्यूज मत होना। कुंभा का शासनकाल है 1433 से 1468, जबकि मीरा का जन्म हुआ था 1498 में, यानी कुंभा की मृत्यु के 30 साल बाद। फिर भी मीरा मंदिर है, इसी कंफ्यूजन की वजह से टोड ने लिख दिया था कि मीरा जो है वो कुंभा की पत्नी थी, जबकि ऐसा नहीं है। मीरा मंदिर जो है वो पहले कृष्ण भगवान का मंदिर था, कुंभा स्वामी मंदिर था, मीरा इसमें बैठ के पूजा करती थी, इसलिए मीरा मंदिर नाम से प्रसिद्ध हो गया था। तो बनवाया इसे किसने था, कुंभा ने ही बनवाया था। रणकपुर के जैन मंदिर पड़ते हैं पाली में, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, मथाई नदी के किनारे है, इसमें 1444 खंबे हैं, स्तंभों का वन बोलते हैं, घंटियों का मंदिर भी बोलते हैं। ये मालवा दोबारा जब विजय की थी ना कुंभा ने, तब बनवाई थी, दित्य मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता का मंदिर। इसके बाद कुंभा का साहित्य है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, कामराज, रतिसार, ये 5-7 ग्रंथ है जो आप देख लेना, रख लेना। कुंभा के बाद रायमल की बात नहीं है, फिर संग्राम सिंह की है।
संग्राम सिंह का वीडियो मैंने डाल रखा है और संग्राम सिंह का दोबारा फिर से एक पूरे विवरण के साथ वीडियो बनाएंगे। संग्राम सिंह के बाद में है विक्रमादित्य, संग्राम सिंह का पुत्र। विक्रमादित्य के समय की एक ही बात बता देते हैं शॉर्ट में। अब चित्तौड़ का राणा बन गया संग्राम सिंह के बाद विक्रमादित्य, और सांगा की विधवा पत्नी कर्मावती राजकार्य संभाल रही है। गुजरात का था बहादुर शाह। बहादुर शाह ने सोचा कि मेवाड़ कमजोर तो चलो आक्रमण करते हैं। इसने 1534 में आक्रमण किया, लेकिन कर्मावती ने इसे रणथंभौर की जागीर देके वापस भेज दिया था। और बहादुर शाह की हुमायूं के साथ बिगड़ गई। हुमायूं इस पर आक्रमण करने के लिए चला था, तब इसने सोचा कि हुमायूं आक्रमण करने आ रहा है, क्यों ना चित्तौड़ को जीत ले। इसने रूमी खां के नेतृत्व में दोबारा चित्तौड़ की घेराबंदी कर दी। तो बताते हैं कर्मावती ने हुमायूं को सहायता के लिए अपील की थी। हुमायूं वहां से चल भी पड़ा था, क्योंकि दोनों काम ही करने, बहादुर शाह पे आक्रमण तो करना ही है। वो सहारनपुर ने पहुंचा। इधर से बहादुर शाह ने इसके पास खत भेज दिया था, बोल देख मैं जिहाद करने के लिए जा रहा हूं, तू बीच में मत आ, अपनी लड़ाई बाद में, हम बाद में लड़ेंगे। यानी इस युद्ध को चुपके से जिहाद घोषित करके बहादुर हुमायूं को सहारनपुर के लमसम रोक दिया था। फरिश्ता के अनुसार ये ग्वालियर में रुका था। जो भी है, अब यहां नेतृत्व संभाला बाघ सिंह ने। कर्मावती ने विक्रमादित्य और अपने पुत्र दूसरा उदय सिंह, इन दोनों को ननियाल बूंदी भेज दिया। बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ, कर्मावती के नेतृत्व में जोहर हुआ, और 1534-35 चित्तौड़गढ़ का दूसरा और सबसे बड़ा साका पूर्ण हुआ। यहाँ 13,000 रानियों ने जोहर किया था। इसके बाद में विक्रमादित्य की सब जानते हो, बनवीर ने हत्या की, उदय सिंह को मारना चाहा, पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके उदय सिंह को सुरक्षित पहले देवलिया के ठाकुर के पास, फिर डूंगरपुर और फिर लास्ट में कुंभलगढ़ ले गए थे, आसा शाह की देखरेख में रखा। इसके बाद में शासक बन गया उदय सिंह। में उदय सिंह के पुत्र अमर सिंह का जन्म हुआ, और 1569 में उन्होंने एक झील का निर्माण करवाया, उदय सागर झील, और यहीं पे एक नया शहर बसाया उदयपुर। अकबर था शासक। अकबर ने नागौर पे आक्रमण किया था जैमल पर, जैमल राजा जैमल राठौड़ पर। जैमल इसकी शरण में आ गए थे उदय सिंह की शरण में। अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात का था बहादुर शाह। ये बहादुर शाह भी आ गया था, बाज बहादुर भी उदय सिंह की शरण में आ गया था। अकबर ने दोनों मांगे, उदय सिंह ने मना कर दिया। तब अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को घेरा था 1567-68। यहां जैमल और फत्ता ने नेतृत्व किया। चार माह घेराबंदी चली, राजपूतों द्वारा लड़ा गया, सबसे अच्छा युद्ध माना जाता है, सबसे खतरनाक। इस युद्ध के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, इसका वीडियो डालेंगे। सबसे अच्छा युद्ध था ये, चार महीने तक कैसे कैसे रहा, क्या घेराबंदी रही, अकबर ने क्या किया, या 8,000 राजपूतों ने क्या किया, वो पूरी प्रोसेस है, एक घंटा लगता है समझाने में, लेकिन इसको कभी फिर डालेंगे। बहुत अच्छा युद्ध था ये चित्तौड़गढ़ का तीसरे साके का। और यहां जैमल और फत्ता के नेतृत्व में केसरिया हुआ, और फत्ता की पत्नी फूलकंवर के नेतृत्व में जोहर हुआ था। ये चित्तौड़ का तीसरा और अंतिम साका था। इस घटना के थोड़े दिनों बाद ही उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी गोगुंदा में। उदय सिंह ने अपने छोटे पुत्र जगमाल को राणा बना दिया था। मेवाड़ में एक रिवाज है कि जो राणा बनेगा वो दाग संस्कार में नहीं जाएगा, तो वहां जगमाल दिखाई नहीं दिया। तब राजपूत सरदारों ने पूछ लिया कि जगमाल दिखाई नहीं दे रहा, तब उन्होंने कहा कि जगमाल को तो राणा बना दिया। तब वो बाकी राजपूत सरदारों ने मिलकर महाराणा प्रताप का यही गोगुंदा में राज्याभिषेक कर दिया था, और उनके पास चित्तौड़ दुर्ग तो मुगलों के पास है, कुंभलगढ़ दुर्ग था, कुंभलगढ़ दुर्ग में सरदार गए, जगमाल को हटाया, और महाराणा प्रताप का दोबारा कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक हुआ था। और इसे महलों की क्रांति कहा जाता है। इस दोबारा राज्याभिषेक के अंदर मारवाड़ से राव चंद्रसेन भी आए थे। प्रताप एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, इसके बारे में अगर शॉर्ट में बताया तो भी 1.5 घंटे लगेंगे, तो नॉर्मल आप बातें देख लेना। हल्दी घाटी युद्ध है, थोड़ी सी ऐसी चार अभियान है। सबसे पहले जलाल खां, क्योंकि इसे बहुत विस्तार से बताना है, कभी पूरे डिटेल से करेंगे, 2-3 घंटे का चैप्टर है, इतिहास का एक महत्वपूर्ण योद्धा है। ऐसे बता रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि भी एक बेइज्जती सी कर रहे हैं इतिहास की, ये सबसे अच्छा करेक्टर है इतिहास का। सबसे पहले 72 में जलाल खां, उसके बाद में 2 नंबर अभियान पे मानसिंह,
मान सिंह का पिता भगवान दास और लास्ट में टोडरमल, ये तीनों आए थे 73 में। टोटल 6 अभियान आए थे महाराणा प्रताप को समझाने, ये 4 युद्ध से पहले, इसके बाद में आए थे 1580 में और एक अभियान आया था 1584 में। 80 में रहीम जी आए थे, अब्दुल रहीम खान खाना, रहीमन दागा प्रेम का वो रहीम जी, और सबसे अंत में आया था जगन्नाथ कछुआ। इन्हें शांति अभियान बोलते हैं क्योंकि ये युद्ध से पहले है और ये युद्ध के बाद है। टोटल 6 अभियान, इनका क्रम ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले एक मुसलमान को भेजा जलाल खान, फिर मानसिंह को भेजा, अब पहले बेटे को भेजा, बेटा कोई काम बिगाड़ दे तो बाप को भेजा जाता है, फिर बाप को भेजा भगवान दास को, और अंत में भेजा गया है टोडरमल को। सूत्र भी बना रखा है कईयों ने, तो कोई जरूरत भी नहीं है सूत्र की। फिर आपको हल्दीघाटी युद्ध की सारी बातें देखनी है, क्या क्या नाम है, क्या क्या है, वो डिटेल आधे घंटे हल्दीघाटी युद्ध में लगता है, तो वो नाम ध्यान में रख लेना। 18-21 जून 1576 इधर वाले का रावण सेना का कौन, इधर वाले का कौन, वो नॉर्मल आप डिटेल पूरा देख लेना। इसके बाद में फिर है दिवेर का युद्ध, 4 चौकियां है। फिर 1585 में राजधानी बनाई थी लूणा चामंडिया को हरा के, चामंड को, पीछे फैसिलिट में आया था चामंड राजधानी कितने वर्षों तक रही। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 है, 97 में से घटा दिया था, जबकि चामंड राजधानी अमर सिंह के समय तक रही थी, 1615 में जब मेवाड़ मुगल संधि हुई थी तब तक रही थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 1585 से 1615 तक चामंड राजधानी रही थी, और फिर प्रताप की यही धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय मृत्यु हुई थी। इसको बहुत शॉर्ट में ले लिया मैं, पूरे डिटेल से वीडियो डालेंगे, बाद में डालेंगे। इसके बाद में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह, इन्होंने मुगलों से संधि कर ली थी, कई अभियान आए थे इनको समझाने, 1605, 1608, 1609, 1611 और अंत में आया था 1613 खुर्रम साजा, 1605 शहजादा परवेज, फिर महावत खां को भेजा था, फिर अब्दुल्ला खां को भेजा था, फिर राजा बस्सू को भेजा था, और अंत में आया था खुर्रम या साजा। तो इनके बीच में 1615 में संधि हो गई, जिसे मेवाड़ मुगल संधि कहते हैं। संधि की शर्तें यही थी, अमर सिंह की शर्तें थी, मैं तुम्हारे दरबार में नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं रखूंगा। उधर से एक शर्त रखी गई थी, आप चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करोगे, और बाद में सारा चित्तौड़ उदयपुर वगैरह सब वापस दे दिए, और राजधानी हटके चावंड से वापस आ गई थी फिर उदयपुर। फिर मेवाड़ का अंतिम शक्तिशाली शासक जो है वो राज सिंह है, जिन्हें विजय कटकातू की उपाधि औरंगजेब से इनकी बनी नहीं थी। इन्होंने नाथद्वारा में नाथ जी का मंदिर और द्वारिकाधीश मंदिर और एक राजसमंद झील बनवाई थी। राजसमंद झील का दूसरा नाम राजसमुंद है, जो झीलों के अंदर मैंने डाल रखा है। तो मेवाड़ का मैन मैन ऐसी शॉर्ट में बता दिया आपको, थोड़ा सा दोबारा रीडिंग मार लेना इनका। ये थे राजवंश, इसके बाद में एकीकरण का थोड़ा डाल रखा है मैंने, क्रांति डाल रखी है, जनसंख्या डाल रखी है, किसान आंदोलन शॉर्ट में बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान आंदोलन का प्रश्न आता ही आता है। क्यों पुणे गुरु ओ गुरु बस आयो 5 मिनट में, ठीक है आयो गुरु, हाँ आयो गुरु आयो 5 मिनट बैठो, हाँ लास्ट किसान आंदोलन शॉर्ट में बता देता हूं। बिजोलिया सबसे इंपॉर्टेंट, बेगू, उसके बाद बूंदी, ये तीन इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में ही गड़बड़ होगी। बिजोलिया भारत में सबसे पहले आंदोलन यहीं से चले थे, बिजोलिया, बिजोलिया वर्तमान में पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर, या ये किस रियासत में था, ये मेवाड़ रियासत में था। उस समय मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह था, चेतावनी रा चुंगठिया वाले। बिजोलिया में दाकड़ जाति के किसान थे, भारत का सबसे लंबा अहिंसात्मक चलने वाला आंदोलन है, जो 1897 में शुरू हुआ, 1941 में जाके खत्म हुआ। पूछ लिया कितने वर्षों तक चला था, 44 साल तक चला था, यानी इसे भारत का मैराथन किसान आंदोलन कहा जाता है। भारत का मैराथन युद्ध है दिवेर का युद्ध, और मैराथन किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। इतने लंबे को हम तीन पार्टों में बांट लेते हैं आसानी से होने से, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहला चरण 1897 से 1915, दूसरा 1915 से 23 और तीसरा 1923 से 41। सर चरण कैसे बांटे, नेतृत्वकर्ता के आधार पर, प्रत्येक का नेतृत्वकर्ता बदलेगा, क्योंकि 44 साल तक एक आदमी नेतृत्व नहीं कर सकता। हुआ क्या, गंगाराम दाकड़ के पिता की मृत्यु हुई और मृत्यु बोझ पर सारे किसान इकट्ठा हुए थे, वहीं पे निर्णय लिया कि यार 84 प्रकार की लाग बागें कैसे भरे,
उसमें बिजोलिया का सामंत जो था वो था किशन सिंह या कृष्ण सिंह। तब वहां पे एक व्यक्ति था साधु सीताराम। साधु सीताराम ने सबको राय दी, बोले यार हो सकता है किशन सिंह गड़बड़ कर रहा हो, अपने एक कोई व्यक्ति जाके फतेह सिंह को समझाओ। बोल किसको भेजें? वो नानजी ठाकरी पटेल को भेज दो। ये गए, फतेह सिंह मिला नहीं, वो एप्लीकेशन उनके ऑफिस में छोड़ के वापस आ गए थे। फतेह सिंह ने हामिद हुसैन को नियुक्त किया था लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इस बात की खबर मिली किशन सिंह को, किशन सिंह ने 1903 में इन पर एक कर ठोक दिया, चौरी कर, यानी टैक्स कम कराने के लिए गया था, एक नया और आ गया। किसानों ने विरोध में 2 साल तक लड़कियों के विवाह नहीं किए। सारे किसान एकत्रित होकर गए, बोल जी हम तो छोड़ के जा रहे हैं बिजोलिया। तब ये डर गया था और इसने चौरी कर समाप्त किया और लगान 50% के स्थान पे 40 कर दी। इसके बाद में सामंत बना पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने जैसे ही नया सामंत बनता है तब एक नया टैक्स लगता है, तलवार बंधाई, ये लगा था 1906 में। इसका विरोध हुआ, साधु सीताराम दास है, ब्रह्मदेव है, फतेहकरण चरण आदि के नेता। ये पहला चरण है, तो पहले चरण में याद रखना है भारत राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास माने जाते हैं, भारत में विजय सिंह पथिक माने जाते हैं। दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक करें, पहले में नेतृत्व याद रखना है, नानजी ठाकरी पटेल को भेजा था 1903 चौरी कर और 1906 तलवार बधाई कर। दूसरे चरण का जो नेतृत्व है पूरा, वो पूरा का पूरा नेतृत्व विजय सिंह पथिक संभालेंगे। विजय सिंह पथिक बुलंद शहर यूपी के थे, इनका वास्तविक नाम भूप सिंह गुज्जर था। इन्हें टोडगढ़ जेल में बंदी बनाए, यहां से भाग के चित्तौड़ के ओछरी साइड में चले गए थे और वहां महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। और इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने संभाल लिया और विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को भारत में प्रसिद्ध कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अखबारों में निकलवाई इसकी खबरें, प्रताप, अभ्युदय, मराठा, इन अखबारों में खबरें छपवाई। और कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नागपुर में 1920 में, वहां बिजोलिया से कुछ किसानों को लेकर राजाओं के विरुद्ध में प्रदर्शनी लगवाई थी इन्होंने। तो गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को भेजा था कि यार पता लगा क्या बात क्या है। बाद में यहां 1922 में एक समझौता हुआ था होलैंड की मध्यस्थता से, बोल जी हम आपकी 35 लाख बागें कम कर देंगे। लेकिन यह समझौता इसलिए हुआ था कि 22 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसके डर की वजह से बाद में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने बंद किया, यह समझौता भी फेल हो गया। तीसरे चरण में जो नेतृत्व किया वो सिर्फ नेतृत्व करता, याद रखना है, अपने सीकर से रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, हरिबा उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा। और 1941 में टी विजय राघवाचार्य की मध्यस्थता से समझौता हुआ और आंदोलन समाप्त। और बिजोलिया में एक ध्यान थोड़ा सा ये रख लेना, बिजोलिया के अंदर तुलसी बीर नाम का एक व्यक्ति था जो किसका कार्य करता था, संदेशवाहक का कार्य करता था, यानी 15-20 किलोमीटर रोज चलता था और लोगों को सूचना देता था इसके बारे में। तो बिजोलिया लंबा आंदोलन है, लेकिन बातें जो मेन मेन थी वो सारी बता दी मैंने। 44 साल, दाकड़ जाति, भारत का सबसे पहला किसान आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन, साधु सीताराम दास, नानजी ठाकरी पटेल, इसके बाद में महाराणा, फिर किशन सिंह 1903, फिर 1906 पृथ्वी सिंह, उसके बाद में फिर दूसरा चरण विजय सिंह पथिक, फिर कई अखबारों में निकलवाए, नागपुर में निकलवाए, 1916 किसान पंच बोर्ड, 17 में उपरमाल पंच बोर्ड, इसके बाद में फिर वो पोलैंड की मध्य समझौता, फिर तीसरे चरण में 2-3 नेतृत्व करता, फिर टी विजय राघवाचार्य की मध्यस्थता से समझौता। देवगू के किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए और बिजोलिया में विजय सिंह पथिक के पास आए, बोल जी हमारा नेतृत्व करो। विजय सिंह पथिक ने भेजा कि आपका नेतृत्व रामनारायण चौधरी जी करेंगे, यानी विजय सिंह पथिक के कहने पर बेगू का नेतृत्व रामनारायण चौधरी। बूंदी वाले रामनारायण चौधरी के पास आए कि हमारा नेतृत्व करो, तो रामनारायण चौधरी ने कहा कि आपका नेतृत्व करेंगे नैनूराम। तो यहां का नेतृत्व रामनारायण के कहने पर नैनूराम जी ने किया, नैनूराम शर्मा के अंदर। अब देखो कंफ्यूजन कहां होगी, वो आपसे पूछेगा कि नानजी नानक जी किस किसान आंदोलन से संबंधित है, अर्जी गीत कहां लिखा गया, पंचीड़ा गीत कहां लिखा गया, रूपा जी कृपा जी किससे संबंधित है, बोल सेविक समझौता किससे संबंधित है, बस ऐसे पूछता है वहां गड़बड़ हो जाती है। वो पूछेगा नानजी नानक जी बिल किस किसान आंदोलन से, बठगोड़े क्या नानक जी बिजोलिया मोग, बेगू मोग, बूंदी मोग, वहां गड़बड़े। आप ऐसा करो, इस नय को पकड़ो, नय से नैनूराम, नय से नित्यानंद, नय से ही नानक जी,
यानी बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा, स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व नित्यानंद, नानक जी बिल, यहां एक सम्मेलन हुआ 1903 में डाबी में, और गोलीबारी के अंदर नानक जी भील मारे गए। यहां के कार्यकर्ता नानक जी भील को ले गए थे, पुलिस के हाथ नहीं लगने दिया था इनके शव को। 9 दिन बाद देवगढ़ में इनका दाग संस्कार हुआ था, नारेड़ी नारेड़ आए थे, इनका दाग संस्कार नारेड़ से हुआ था। बूंदी में इनका बहुत ज्यादा चर्चा है, उनके गीतों में बहुत नाम लिया था। नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर दो व्यक्ति थे यहाँ। अब अर्जी गीत कहां लिखी गई, ये दोनों वैसे माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था, अर्जी कहीं और लिखा है, पंचड़ी कहीं लिखा। कैसे याद करेंगे, अर्जी का मतलब होता है एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट। नानक जी चले गए भगवान के पास सौरग में, तो माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी से अर्जी की, एप्लीकेशन की है कि थे तो भगवान कन चला गया लेकिन मान्य तो अनाथ कर गया, थे भगवान ने कोक मारो उद्धार करे, महर्षागढ़ शोषण हो रहे। यानी अर्जी गीत उन्होंने नानक जी भील के लिए, नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे, झंडा गीत विजय सिंह पथिक का लिखा हुआ था, तो ये थोड़ा ध्यान रखो। और पंचड़ा गीत विजय माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन में लिखा था, तो एक चीज ध्यान, बिजोलिया में ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, क्यों इसके ज्यादा नेतृत्व करता है, या तो ऐसे बनेगा प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया, साधु सीताराम दास, बाकी या फिर नेतृत्व किसने नहीं किया, ऐसा प्रश्न जरूर हो सकता है। या तो आप ऐसे करो, दो ही नाम पकड़ लो, बे बो और बेरो को नहीं बेरू, ये दो ही नाम ध्यान रखो। बेगू का, बेगू में बोल सेविक, बेबो, बेगू में बोल सेविक, बोल से मतलब यहां का सामंत था अनूप सिंह, विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से किसान और अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, इसने कहा कि आपकी लागबागे मान ली जाएगी, मैं महाराणा को कह दूंगा। बेगू भी प्रथम श्रेणी का ठिकाना था मेवाड़ का, महाराणा ने कहा कुछ नहीं है, दिस इज बोल सेविक समझौता। बेरू, रू का मतलब रूपाजी कृपाजी, और यहां मारे गए थे, ट्रेचनी गोलियां चलाई और रूपाजी और कृपाजी मारे गए थे। तो ये तीन किसान आंदोलनों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब बचा है अलवर, सीकर, मारवाड़ और बीकानेर। अलवर ने, मेओ ने विद्रोह किया था, मेओ आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान ने किया था, और यहाँ का आंदोलन धीरे धीरे सांप्रदायिक हो गया था, हिंदू मुसलमान हो गया था, यानी कहाँ के किसान आंदोलन सांप्रदायिक हो गए थे, मेओ। यहाँ की सबसे बड़ी घटना है निम्मू चना, कद हुई गुरु जी 14 मई 1925, छज्जू सिंह, राजस्थान का जनरल डायर बोलते, छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई, किसान मारे गए। इसका कंपेरिजन होता है जलियावाला से, निमोचना का, कैसे गुरु, इसको निमोचना हत्याकांड तो नाम दिया था रामनारायण चौधरी ने, इस हत्याकांड को दूसरा जलियावाला यानी जलियावाला से भी भयंकर बताया था रियासती अखबार जो दिल्ली से निकलता था, और गांधी जी ने इसे डबल डायरिज्म कहा था। और एक जलियावाला कहा जाता है मानगढ़ हत्याकांड को, 1913 में हुआ था, उसकी तुलना भी जलियावाला से होती है। इसके बाद में सीकर के जो किसान आंदोलन थे उनका नेतृत्व भी वैसे रामनारायण चौधरी ने किया था। यहाँ 1931 में क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना हुई और 1934 में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ था। सीकर के किसान आंदोलन की विशेष बात ये, यहाँ के किसान आंदोलन की खबरें इंग्लैंड का एक अखबार है डेली हेराल्ड, उस डेली हेराल्ड में छपी थी। अब जब अखबार में आ गई तो फिर संसद में मामला उठा, अंग्रेज था लॉरेंस, उसने इस मामले को संसद में उठाया था, हाउस ऑफ कॉमन, यानी कहां की किसान आंदोलन की खबरें इंग्लैंड में, सीकर की किसान आंदोलन की, हाउस ऑफ कॉमन में उठाया था लॉरेंस ने, यानी वहां की संसद में मामला उठा था। यहां की प्रसिद्ध घटना है कटराथल सीकर, बस यहां का प्रसिद्ध प्रश्न है किशोरी देवी, बार बार यही आता है, हरलाल की पत्नी थी ये, प्रश्न यही आता है कटराथल में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, किशोरी देवी ने, और यहाँ वक्ता का कार्य किया था उत्पाद। वैसे अगर आपसे पूछ लेना कहाँ किसान आंदोलन महिलाओं ने भाग लिया था, तो वो बूंदी मैन है, बूंदी में महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी, वहां किसान आंदोलनों में महिला ने भाग लिया था। सीकर में एक जगह है कुद्दन, यहां भी लॉर्ड वेव ने गोलियां चलाई, जयसिंहपुरा में भी हत्याकांड हुआ था, ये दो तीन एक नाम है थोड़ा ध्यान रखना। बीकानेर में पानी के लिए आंदोलन हुआ था, आबियाना करके लिए, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह
गोलमेज सम्मेलन में गए थे, पीछे से एक अखबार निकलता है बीकानेर दिग्दर्शन, उसमें खबरें छपवा दी थी चंदनमल भेड़ ने गंगा सिंह के विरुद्ध, तो इसे कहा जाता है बीकानेर षड्यंत्र केस। और यहां जो मैन है वो है दूधवा खारा आंदोलन। दूधवा खारा पड़ता है चूरू के अंदर, इसका नेतृत्व तो हनुमान सिंह वगैरह ने किया। हनुमान सिंह एक पुलिस अधिकारी थे, एग्जाम में आता कहां की किसान आंदोलन का नेतृत्व तो एक पुलिस अधिकारी ने किया था दूधवा खारा। मारवाड़ में वैसे मादा पशुओं के निष्कासन के विरोध में आंदोलन हुआ, यहां एक नाम याद रखना चांदमल सुराणा। सुराणा होता है बनिया, यानी बनिया का मतलब फिर नापतोल 1921। यहां तोल आंदोलन हुए थे 1921, सौ शेर से संबंधित था वो तोल आंदोलन। लास्ट घटना है डाबड़ा हत्याकांड, कब हुई थी 13 मार्च 1947। डाबड़ा पड़ता है डीडवाना नागौर, यहां कुछ लोग मारे गए थे जिसके अंदर है रामूराम, चुन्नीराम, धन्नाराम, नंदराम आदि दो तीन एक नाम है, वो पीछे एग्जाम में आया था पुलिस वाले में कि रामूराम, चुन्नीराम, धन्नाराम, रुगाराम आदि किस किसान आंदोलन में मारे गए, तो ये थे डाबड़ा हत्याकांड। तो लगभग हिस्ट्री का रिपीट मार दिया है, इसे एक दो बार आप और देख लें, फायदा ही होगा, लगभग प्रश्न आपको इनमें से कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।